नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIAPGTMD UPSC एमओ में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर 2022 के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस दोस्तों अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड तो नहीं हुआ है, बट हम लोग एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो भारत तो इसमें जो है क्या है, सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको आयुर्वेद के टॉपिक्स मिलेंगे, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम मिलेंगे। तो सिलेबस ऑफ द यूपीपीएससी एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शन। फर्स्ट इज जीके, सेकंड इज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, थर्ड इज आयुर्वेद। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम तीनों की बात करते हैं कितने कितने परसेंटेज इसमें डिवाइड होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीके की, तो 50% 50 क्वेश्चन जीके से आएंगे, 25 क्वेश्चन नेशनल हेल्थ मिशन या पॉलिसी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से आएंगे, और जो है 75 क्वेश्चन जो है आपको आयुर्वेद से आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे। समझ रहे हैं आप लोग, 300 मार्क्स के क्वेश्चन क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इसका सामान्य अध्ययन का क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है। तो भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, भारत भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। एक बात महत्वपूर्ण यह कि इतिहास के विषय में जब आप बात करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है। और वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो आपको क्या पूछा जाएगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडिया की ज्योग्राफी दोनों आपको पता होनी चाहिए। दिखे भारत, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, गणित कहाँ तक की, हाई स्कूल स्तर तक की आपको अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित सभी चीजें आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं और अर्थव्यवस्था के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो ये रहा आप लोगों का जीके का सिलेबस। इसके बाद के सिलेबस के बारे में अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा अगले वीडियो को देखने के